नमस्कार। जैसा अभी मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, आज मैं राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया हूं। मैं बीजू जनता दल से 2020 में चुन के गया था राज्यसभा, और मैं बीजू जनता दल के पार्टी प्रेसिडेंट ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे राज्यसभा भेजा था। और आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं। मेरे लिए बहुत ही हर्ष का दिन है। प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत और 2036 तक विकसित ओडिशा, ये लक्ष्य मुझे हमेशा प्रभावित किया है। और उनका ये विजन के चलते मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी बीजेपी टीम को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह भाई जी को और अरुण सिंह जी को जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, मेरे बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमेशा मुझे कैसे ओडिशा का विकास हो सकता है, खासकर केबी के अंचल जो है उड़ीसा में, जिसमें कालाहांडी भी आता है जो मेरा जिला है, उसका विकास हो सकता है, और हर बौद्धिक विषय पे मेरे को हमेशा वो मोटिवेट किए हैं। मैं धन्यवाद चाहता हूँ देना चाहता हूँ जेपी नड्डा जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष भतुरी मेहताब जी हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट किए हैं, हमारे प्रभारी उड़ीसा के तुमर जी हैं, विजयपाल तुमर जी, सभी को, सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आज स्वागत किया, दल में शामिल करा, और मैं जैसा देश के लिए, मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट फिलोसॉफी मेरा हमेशा रहा है, और ओडिशा का विकास, खासकर मेरा जिला कालाहांडी का विकास, इसके लिए ही मैं भारत आया। मैं विदेश में बहुत साल रहा हूं, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काम करता था। तो 2011 में मैं जब विदेश से इंडिया वापस आया तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरी मिट्टी की कैसे, मेरे देश की कैसे विकास हो, और मेरे लिए हमेशा मिट्टी आगे और पार्टी पीछे, ये फिलोसफी रहा है। और आज मैं इसीलिए बीजू जनता दल को आज छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि जो विकास हो सकता है कालाहांडी का, जो विकास हो सकता था उतना हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरह से करप्शन, जिस तरह से वहां पे दुर्नीति चल रहा था, उसमें बीजेडी के बहुत सारे नेता शामिल थे, जिला के नेता और जिला के बाहर के भी नेता, और बहुत बार मैंने कोशिश किया ये सब चीज बीजेडी के लीडरशिप के ध्यान में लाने का, लेकिन जब मैं देखा कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। और जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा, मैं हमेशा प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। बीजेडी में जब भी था तब भी मैं, कोई भी टीवी डिबेट में हो, मेरे सोशल मीडिया में हो, जो 10 साल में जो काम वो कर रहे हैं देश के लिए, और जो हमेशा वो नेशन फर्स्ट वाला फिलोसॉफी उनका रहा है, इसका मैं बहुत ही बड़ा प्रशंसक हूँ। और मैं आज खुश हूँ कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, आज उस पार्टी को मैं भी उस परिवार में आ गया हूँ। और मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि सभी के आशीर्वाद से, सबके मार्गदर्शन से, मैं बीजेपी को और कैसे मजबूत किया जाएगा ओडिशा में और पूरे देश भर में, और देश के लिए हम लोग कैसे काम करेंगे, यही मेरा मकसद रहेगा। धन्यवाद।